नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो भारत का संविधान आर्टिकल 89 है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल 88 तक ख़त्म कर दिया था और आर्टिकल 89 से शुरू करना था जो कि संसद के अधिकारी के विषय पर बताया गया है। संसद के अधिकारी के अंतर्गत हम लोग आज आर्टिकल 89 से 92 तक देखेंगे कि 89 से आर्टिकल 92 तक क्या दिया हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 89 क्या कहता है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, पहला देखिए इसमें क्या है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसमें 1 और 2 हैं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आर्टिकल 90 देखिए, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, इसमें का खा गा। पहला का देखते हैं, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। खा देखिए, किसी भी सदस्य किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और गा देखिए, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंड गा, जो लास्ट का खंड है, के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। आर्टिकल 91 देखिए, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, पहला और दूसरा दो हैं इसमें। जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तब उपराष्ट्रपति या उपसभापति यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पर के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। दूसरा, राज्यसभा की किसी बैठक के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि भी वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 92 देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति या उपसभापति उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होगा। पहला देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति के उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति के राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किंतु अनुच्छेद 100 में किसी अन्य के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 93 तक कवर किया है जो कि 93 मैं आपको बता देता हूँ। 93 जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 93 तक कंप्लीट किया है। आगे आने वाला वीडियो जो है आर्टिकल 94 से शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।